सुंदर कन्या। चलो अब बात कोई बात नहीं, चलो भाई एक कन्या भी ढूंढी लिए मिलते, अब तो डेली उससे बातें होगी। तो गांव की ककड़ी आई है भाई, लंबी नहीं है बस पेपर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आज एक और मेहमान आने वाले हैं हमारे रूम। को हीरो भाई बढ़िया बढ़िया, बस पबजी वाला। तो दो चार मेहमान और आ चुके हैं हमारे, कमजोरी जिन्नी है क्या? अब तो बॉडी दिखाओ जा। राहुल भाई कैसा रहा है गांव में? मौसम और क्या, एकदम चिल्ड वाला, चिल्ड वाला। तो कितनी बियर मारी फिर? चलिए दोस्तों पहुंच चुका हूं ड्यूटी पे और करीबन 12 बज गए हैं, ठीक 12 बजे मैं पहुंचता हूं अपनी शिफ्ट पे। जो मैं वीडियो बना रहा हूं कि गलत है भाई, वीडियो बनाना अच्छी बात है ये। तो भाई आप बताओ, मैं वीडियो बनाता हूं, कभी किसी को गलत हुआ, गलत चीज़ हुई नहीं हुई ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम एंड नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिलहाल अभी आज के दिन की मॉर्निंग कर रहा हूँ मैं, 9 बजे करीबन 9:30 हो गया है और राहुल आ गया था गांव से, सुबह सुबह आ गया था। तो 7 बजे भाई ने मेरी नींद ख़राब कर दी है, तो तब से भाई मैं उठा ही हुआ हूँ। बाकी आज हमारे एक और मेहमान जो कि गांव से नहीं मतलब यहीं से आने वाले हैं और पहली बार विजिट करने वाले हैं हमारे रूम पे, जो कि है हमारे सेंटी भाई। तो थोड़ी देर पहले उनसे फ़ोन पर बात हुई है, खूब सारी गाली पड़ी है भाई हमें, और अब रूम पर आके भी सेम चीज़ अभी होने वाली है। तो उनका स्वागत हम करने वाले हैं भाई तगड़ा, क्योंकि पहली बार विजिट करेंगे तो उनका स्वागत ऐसा होना चाहिए कि मज़ेदार। और बाकी 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 आज हम निकलने वाले हैं शाम को यहाँ से और कैची धाम की तरफ, तो बढ़िया सा भाई टूर होने वाला है। मेरे साथ मेरे भाई लोग भी हैं साथ में, 3 बाइक हमारी जाने वाली है और मज़ेदार एक दिन की ट्रिप होगी, लेकिन मज़ेदार ट्रिप होने वाली है। तो आप वीडियो के साथ बने रहना और सपोर्ट भाई को करते रहना। और राहुल भाई पहुंच चुके हैं गांव से राहुल भाई आ चुके हैं यहाँ पे। और बिल ले क्या लेके आए सर आप? ये कौन सी बात है भाई? तो गांव की ककड़ी आई है भाई, कोई बात नहीं। और आज एक और मेहमान आने वाले हैं हमारे रूम पे, जो कि क्या बोलूँ आप, जिनसे कि हमें बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली है। सबसे पहले अभी फ़ोन पे भी गाली सुन ली है और बाकी अब यहाँ आके हम थोड़ी और गाली सुन लेंगे भाई की, और अच्छी खासी गाली तो राहुल सुनने वाला है। भाई है अपना राहुल भाई, कैसा रहा है गांव में? मौसम और क्या, एकदम चिल्ड वाला, चिल्ड वाला। तो कितनी बियर मारी फिर? सीधे साधे बंदे शक्ल दिखाने के बाद जरा। तो राहुल भाई को अब घर बाहर का खाना बिल्कुल मना कर दिया गया है, अब ये जो भी खाना खाएंगे वो घर पे ही बनेगा और घर से ही खाएंगे, सिवाय दारू को छोड़ के। दारू जो भी आएगी वो बाहर से आएगी। को हीरो भाई बढ़िया 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 यो चमर को कया कया, ये देखो तुम्हारे पहले बार गाल दे तो राहुल दिमाग का समझ आया जरा। मजा ना तीरी बड़े नौने को जानने को जान पक्का देख लो, नौने नहीं मिलने होनी ब्याज गाल तीरी मिल जान ना। चलिए दोस्तों पहुंच चुका हूं ड्यूटी पे और करीबन 12 बज गए हैं, ठीक 12 बजे मैं पहुंचता हूं अपनी शिफ्ट पे। और किचन में कुछ ऑर्डर चल रहे हैं, जो कि अभी नीचे थक गया हूं थोड़ा सा, तो किचन के ऑर्डर अभी चल ही रहे हैं। एक तो ऑर्डर ज़्यादा ऑर्डर कुछ भी नहीं है, बाकी मैं आया हूं अभी थोड़ा चाय पानी पीऊँगा और उसके बाद अपना काम शुरू करूँगा। बाकी आज का दिन जल्दी जल्दी निकल जाए भाई यही सोच रहा हूँ, क्योंकि शाम को हमें करीबन 12-1 बजे हमें निकलना है नैनीताल की साइड, तो उसके लिए भाई वेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये बता, इधर देख के बता तो कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या गलत है भाई?
वीडियो बनाना अच्छी बात है। हाँ, कहीं पे गलत हुआ नहीं या किसी को डिस्टर्ब हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं। मतलब मैं बना सकता हूँ ना? जी। तो भाई आप बताओ, मैं वीडियो बनाता हूँ, कभी किसी को गलत हुआ, गलत चीज़ हुई? नहीं हुई ना? नहीं। बना सकता हूँ मैं यार, वीडियो तो हर जगह बनाते हैं। मैं भी बनाता था पहले वीडियो। हाँ तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना। मैं एक और चीज़ बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी लंच का टाइम हो रहा है और मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है बाहर। फिलहाल आज ना करीबन 2 से 3 दिन बाद ना आज धूप लगी होगी बाहर, क्योंकि 3 दिन से लगातार ही दिल्ली में भी बारिश हो रही थी। कई जगह तो ऐसा हो गया है जहाँ पे कि रोडों पे ना नदियाँ आ गई है कसम से। हमारे एरिया में भी सेम ऐसी सिचुएशन हो रखी है, लेकिन आज बड़ी अच्छी धूप लगी हुई है। तो उम्मीद करूँगा कि भाई आज मौसम ऐसा ही रहे, और तो आज शाम को वैसे भी हमें निकलना है, तो कल मैं उम्मीद करूँगा कि मौसम एकदम बढ़िया हो, धूप लगी हो और मज़ेदार मौसम हो, क्योंकि हमें इतना लंबा ट्रैवल भी करना है और बाबा जी के दर्शन भी करने हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत आए, कोई भी आपत्ति आए और हमें दर्शन करने में कोई भी दिक्कत आए। तो भगवान जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि कल का मौसम एकदम बढ़िया आज की तरह ही हो, और हमें ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक बाबा जी के दर्शन हो जाए। बाकी हमें क्या ही चाहिए कल। तो चलिए दोस्तों, अभी चाय पीने आ गया हूँ अपने छत पे, और मौसम भाई क्या बढ़िया सनसाइड हो रहा है। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अभी दिन जैसे आधे घंटे बाद दिन ढल जाएगा, फिर हमारे हो जाएगा जाने का टाइम, फिर हम करेंगे एंजॉय। कट जाए दिन हो जाए रात, जाना है हमें कैंची धाम। नहीं नहीं, त्यार कपाल फोड़ दियो लो। त्यार कपाल फोड़ दूँ ऐसे बोलना सीधे? दोबारा बोलो। तुम बोलो त्यार कपाल फोड़ दियो लो। तेरा कपाल फोड़ दूँ कपाल, ये कपाल सर, त्यार कपाल फोड़ दियो लो। और क्या बचेगा? और भी तो होते पहाड़ी में। डांडी सजे नहीं, डांडी नहीं है, डांडी नहीं कचा जोल। सही तो है, बात करा दो इनसे। इतनी सुंदर कन्या चलो अब बात तो करवाएगी। देखो चाहिए ना, ये देखो शादी शुदा है, इसके लिए नहीं ढूंढनी, ठीक है? जो शादी शुदा लोग के लिए कुछ भी नहीं। हाँ ये शादी शुदा है, ये बंदा तुम्हें तो चाहिए नहीं भाई। फिर बोला तुमने मेरे सामने, मैं तो तुम्हारी गंदी है क्या? अरे गलत। छोटू सेब तो बहुत आरामी इंसान है यार। कोई बात नहीं, चलो भाई एक कन्या भी ढूंढी लिए मिलते, अब तो डेली उससे बातें होगी और मस्त होके टाइम निकलेगा। तंदूर वालों सुबह सुबह रोटी बना लो, वहेंगे 6 बज रहे, रोटी बना ली तुमने, अभी से खाएगा कौन? हम 10 बजे खाएंगे उसको। वो तुम्हारी गलती है, अभी खाओ। हमारी क्या गलती है, 10 बजे बनाओ यार, ये कोई बात हुई क्या यार? खा पी के बात हुई है हमारी, इसका मतलब ये नहीं कभी भी बना दो, हमें चाहिए टाइम पे। ओ भाई मेहमान पहुंच गए भाई, मेहमान। हाँ भाई उठ रही क्या? बढ़िया बढ़िया उठ, बस पबजी वाला। तो 2-4 मेहमान और आ चुके हैं हमारे। एक बार दोबारा बोल दे। मार साले था। हाँ भाई रेडी हो गया। कमजोरी दिन हो गया। अब तो बॉडी दिखाओ जा। कोई बात नहीं, रेडी रेडी।